माँ बदौलत का देगी रही माँ बदौलत। अभी सभी का ने कहा वो मुझे हंस के दिखाएगी और सीधी दिखाएगी। हंसो और हंसो और हंसो चिंचा। तो जनाब आज जो है वो संडे है और आज जो है हमारे घर में है इफ्तार पार्टी, और इफ्तार पार्टी जो है वो मेरी फैमिली के लिए है, और आज जो है यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है हमारी फैमिली के लिए इफ्तार पार्टी का, जो कि मतलब पे इस वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या क्या कौन कौन सी डिशेज बन रही हैं और क्या क्या बन रहा है। मज़े मज़े की खुशबू जो है अभी से आनी जो शुरू हो गई है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पे क्या 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 बन रहा है वो सारी चीज़ें आपसे दिखाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक नहीं किया वीडियो को फटाफट लाइक कर लो। बड़े ही मज़े आने, बड़े चटखारे आने वाले। चलिए फिर, मुझे बहुत सारे काम है और मैं भी काम करती रहती हूँ और आपको भी दिखाती रहती हूँ। ये क्लिप जो है ये सैटरडे नाइट की है और यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी से मैंने इफ्तार पार्टी की जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैं यहाँ पे बना रही थी जल्दी जल्दी से समोसे, क्योंकि मेरा जो पहला काम था ना मैं चाह रही थी कि समोसों की रेसिपी जो है ना मैं उसको डन करूँ, ताकि इस तरीके से मैं एक एक करके अपनी एक एक रेसिपी को जो है ना वो वाइंड अप करने लगूँ। तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग वो वेजिटेबल टाइप के समोसे ना वो बना रही थी, वेजिटेबल समोसे, और यहाँ पे जो इसकी स्टफिंग रेडी हो चुकी थी। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल मसारा किचन पे सारे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से स्टफिंग भी ठंडी हो गई थी और मैंने समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इनको कोई इतनी जल्दी मुझे फ्रोज़न करने की भी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि अब बस कुछ ही देर रहते थे, नेक्स्ट डे ही मैंने इनको फ्राई भी करना था इफ्तार पार्टी में। तो बस जी जल्दी जल्दी से अब मैं यहाँ समोसे बनाई थी, और आपको पता है समोसा बनाने में ना मैं बड़ा ही इंजॉय करती हूँ, मुझे इसका शेप बनाने में पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है। और यहाँ पर समोसे बन चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे समोसे बन गए थे जो कि इनफ थे, और स्टफिंग भी काफ़ी सारी बच गई थी। तो मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स की शीट रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसी में ना मैं ये स्टफिंग ऐड करके स्प्रिंग रोल्स भी बना देती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरी यहाँ पे दो रेसिपी जो है वो डन हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने एयर पैक कंटेनर ले लिया था, उसकी बेस में ऑयल लगाया और बस ये इन दोनों चीज़ों को ना एक ही इसमें रख के बस मैंने फ्रोज़न करना था, क्योंकि फिर वही बात के नेक्स्ट डे तो बस इसको मुझे फ्राई करने थे, अब तो बस कुछ ही आवर्स जो है वो बचे थे। और इसमें जो है मैं कट्स लगा रही थी, क्योंकि मैं मार्केट से ना कभी भी कट्स लगे हुए नहीं लेती हूँ, मैं घर में खुद ही कट्स लगाती हूँ, कट्स लगाना बड़ा जरूरी होता है। और साथ ही साथ मैं इसकी रेसिपी भी जो है यहाँ पर ट्राईपॉड लगा के रिकॉर्ड करवा रही थी मम्मा से, क्योंकि मुझे जो है किचन में भी डालना था, ईद आने वाली है, सबको मैंने कहा चलिए रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो चलिए भी जल्दी जल्दी से यहाँ पर हम बनाते हैं स्पाइसी सा चरवा और रेसिपी जो है वो करते हैं शेयर। और बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे इनकी जो है मालिश मसाज करने लग गई थी, और बस हर काम आपको लगे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, जैसे मामा कहती है हर काम तुम्हारा जल्दी जल्दी क्यों होता है, तो मैं क्या करें, काम ही इतना होता है कि जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और मामा जो है वो बिरयानी की प्याज वगैरह काटने में लग गई थी, क्योंकि अब थोड़ी देर में सेहरी का टाइम होने लगा था, तो हमने कहा चले ये करके फिर सेहरी के बाद जो है ना उसके बाद फिर मैं डिज़र्ट बनाऊँगी, और मामा जो है बिरयानी की प्याज वगैरह काट के रखी थी वो तो इंशाल्लाह कल ही फिर बनेगी, और फिर जल्दी अभी हम इसको लगा देते हैं। चर्गी को जो है मैरिनेट मैंने करके फ़िलहाल रखा था, और यहाँ पे मैं ना चिकन थ्रेड पकौड़ा बना रही थी। अच्छा जी, इसकी रेसिपी भी ना मसारा किचन के चैनल पे मेरी मौजूद है, मैंने अपलोड किया और वो काफ़ी आप लोगों ने पसंद भी की है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से रेसिपी कंप्लीट देख लीजिएगा। कुछ जो है मेरे पास फ्रोज़न हुए हुए थे और बाकी जो है वो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से बनाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर इफ्तार पार्टी में बड़ा मज़ा लगता है और यहाँ सबीका की मस्तियाँ जो है वो स्टार्ट थी। यहाँ पर ये जो है मैंने बना लिए थे, बाकी के जो हैं आठ जो है मेरे पास फ्रोज़न थे। स्टैंडर्ड जो है आलमंड मैं लजीजा ओरिजिनल लेकर आई थी ये वाला, तो मैंने कहा चलो जी इतने ज़्यादा काम हो गए और अभी टेबल भी मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो जी आज ना मैं बस ये सी खीर बनाते हैं। और ये जो इंस्टेंट सी खीर बनाती है जाहिर बात है कभी इंसान कुछ चेंज भी लाइफ में चाहिए होता है, तो बस दूध जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 लीटर अराउंड दूध लिया था, इतना ही दूध होगा ये। और बस इसमें जो है मैं एक पैकेट जो है ना ये लजीजा का ऐड कर देती हूँ,
और यहाँ पे 1.5 लीटर में मैंने जो है एक पैकेट जो है लजीज़ा मिक्स का ऐड कर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है ये जो है 1 लीटर का जो पैकेट होता है ना, तो यहाँ पे इसमें मुझे और अपने इंग्रेडिएंट ऐड करने थे इसको थिक करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पाउडर मिल्क जो है वो 5 चाय का चम्मच भर भर के ऐड किया। इससे कोई इतनी लजीज खीर बनेगी ना कि बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा। बस मेक श्योर करना है कि इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अभी दूध जो है ना वो थिन था ना, तो अच्छी तरीके से ये चीज़ें जो है मिक्स हो गई। इसके साथ ही यहाँ पे ना मैंने 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर को घोल के पानी में रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया, और बस ये खीर को जो है अच्छी तरीके से ना मैं यहाँ पे पकाती रही, और तकरीबन जो है 20 मिनट्स लगे थे धीमी आंच में। खीर यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी बन चुकी थी, और इसको जो है ठंडा होने मैंने रख दिया था रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ठंडी होकर ना ये और गाढ़ी होती है, तो फिर मैं इसको बाउल में निकालती। हमने सोचा कि चलो जी थोड़ा बहुत हो जाए। अच्छा जी यहाँ पे खीर देखें अच्छी सी ठंडी हो चुकी है, और इसको जो मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे क्ले बॉल्स में, जो छोटे छोटे क्ले बॉल्स होते हैं ना, तो उनमें मैं इनको सर्व कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्ले बॉल ले लिया है, इतने सारे प्याले जो है वो सेटल हो चुके थे, और मैंने मम्मा को एलमंड्स काटने बोल दिए थे, और अभी इसको मैं टाइम टेबल पर रख देती हूँ। जब तक जो है जल्दी जल्दी से ना मैं बिरयानी का प्याज जो है वो लाल कर रही थी। यहाँ पे जो है मेरा स्पाइसी जो चरवा मैं बना रही हूँ ना वो भी ऑलमोस्ट हो चुका था, बस अब इसको फ्राई करके मुझे बस डन करना था। तो जो काम होता जा रहा है वो होता है, क्योंकि कल के दिन को ना अलहमदिल्ला मुझे बहुत अपने पेरेंट्स के लिए यादगार बनाना था, और ये मैं उन्हीं के लिए ही अलहमदिल्ला कर रही हूँ। तो बस जी बिरयानी जल्दी जल्दी से प्याज लाल करके बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा जी सेरी का टाइम हो गया था, तो वो क्लिप मैं रिकॉर्ड यहाँ पे व्लॉग में नहीं कर पाई, जो मैंने चरगा इसमें ऐड किया वो आपको मेरे कुकिंग चैनल पे जो है ना वो मिल जाएगी रेसिपीज की। तो इसको जो है मैं फ्राई करके इसको भी डन कर रही थी। यहाँ पे 3 बज चुके हैं और इफ्तारी का जो है काम शुरू हो चुका है, मतलब कि फ्राइंग वगैरह का काम जो स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो मैं किचन में आ गई हूँ, 1 मिनट रुक जाएँ। और चलिए बिरयानी का जो है कोरमा जो मैंने हाफ डन किया था उसको जो है फ्लेम पे रखते हैं, और देखते हैं यहाँ पे मम्मा ने कुछ काम यहाँ पे करके रखे हैं वो देखते हैं। उसके अलावा जो है जो जो चीज़ें फ्राइंग की स्टार्ट हैं, फिर टेबल ऑर्गेनाइज करना है, वो सारे काम जो है जल्दी जल्दी से करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, मतलब कि इतने दिन सुकून से गुजरे लेकिन अब लगता है गर्मी आ गई है। सारा काम समेटते समेटते फजर तो हो ही गई थी, और उसके बाद जो है हमने नमाज़ वगैरह पढ़ के ना सो गए थे, और अब जो है दोपहर के 3 बज गए थे। तो यहाँ पे रोल वगैरह फ्राई का काम मम्मा ने स्टार्ट कर दिया था, और मैं आ गई थी यहाँ पे टेबल ऑर्गेनाइज़ करने। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है टेबल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ। तो मेरे पास यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ था, तो उसको जो है मैंने एक बॉक्स के ऊपर कपड़ा लगाया, नेट का शीशा लगाया, और यहाँ पे मेरे पास नेट का दुपट्टा रखा हुआ था, कपड़ा टाइप का छोटा सा मतलब था, उसको जो है मैंने टेप से यहाँ पे एक बीच से उसको आपने देखा होगा वीडियो पे आपको नज़र आ गया होगा ना, तो मैंने उसको सेट कर दिया था कि खूबसूरत से घेर सा यहाँ पे बन गया था। ये जो फ्लावर जो होता है ना, जो कि हम गिफ्ट पैक का फ्लावर होता है, ये बड़ा सा मेरे पास फ्लावर, क्योंकि मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ कहीं भी डेकोरेशन शॉप में मिलती है ना मैं ख़रीद के अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूर मुझे इस तरह की चीज़ों में काम आती है। और यहाँ पे मेरे पास एक प्यारा सा फ्लावर बंच रखा हुआ था, और उसको जो है मैंने रख दिया था, और अब जो है ना मैंने यहाँ पे अपनी जो कैंडल लेकर आई थी ना वो कैंडल मैंने इस पर रख दी थी, जो मेरा टेबल जो है बड़े खूबसूरत और प्यारा सा एक लुक देने लग गया था, क्योंकि मुझे इसको एक फैंसी लुक देना था। और अब यहाँ पर मैं चरगे की जो मेरी डिश थी ना उसको जो मैं फॉलिंग पेपर से कवर कर रही थी, क्योंकि उसको भी मुझे एक ग्रैंड सा लुक देना था। तो यहाँ पर जो है वो राउंड शेप की मेरी डिश थी जिसमें मैं स्पाइसी चरगा लगाने लगी थी, और टेबल में काफ़ी चीज़ें मैं रखने लगी थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टाइम हो रहा था। और यहाँ पे जो है मैं सलाद पत्ता वगैरह उसको है सेटल वगैरह करने लगी थी, काफ़ी चीज़ें जो है वो डन अप कर रही थी, क्योंकि मम्मा जो है वो बिरयानी डन कर रही थी, तो मैंने कहा चले जी मैं बाकी चीज़ें डन कर लेती हूँ। दही बड़े की फुलकियाँ भी मैंने यहाँ बना ली थी, और मैंने बस उसको डिश में डाल के रखा था, क्योंकि मैंने कहा था कि जब बिल्कुल इफ्तार का टाइम होगा ना दही को मैं उसी वक्त जो है ला के रखूँगी, और अब जो है चरगा जो है वो मैंने इफ्तार के टाइम ही डन करके ना उसको मैंने छोटी डेगची में करके फ्रिज में रख दिया था, और अभी सिर्फ मैंने बस उसको गर्म किया है और यहाँ पे लाके इसको रख दिया, बड़ी आसानी से गर्म हो गया था। और चरगा देखिए कितने अच्छी तरीके से सेटल है। इसकी कंप्लीट रेसिपी ना आपको मेरे कुकिंग चैनल पे जो है वो मिल जाएगी, सारी रेसिपीज हर चीज़ जो मैंने आज यहाँ बनाई है रेसिपी, बस जल्दी जल्दी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो आपको सारी रेसिपी जो है हमारे कुकिंग चैनल पर मिल जाएगी। समोसे और रोल भी फ्राई हो चुके थे, यहाँ पर फ्रूट सैलड में बना रही थी, लेकिन इसमें केले नहीं है, क्योंकि केले जो है 400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, तो वो हमने स्किप कर दिया। इसमें बस मैंने चाट मसाला और चीनी ऐड की, तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट ऐड कर
कर दिया था और इसको यहाँ मिक्स कर दिया था और इसको यहाँ बॉल में ले लिया था और थोड़ी सी ना इसको मैंने डेकोर कर दिया था स्ट्रॉबेरी से, क्योंकि हमारे घर में किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है और किसी को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद है, तो बस मैंने इसको पूरी पूरी रहने दी थी कि जिसको पसंद होगी वो खा लेगा और जिसको नहीं पसंद होगी ना वो इसको जो है वो साइड पे लगा देगा। और यहाँ पर जो है मेरा टेबल जो है ऑलरेडी जो है वो डन हो चुका था और अब मैं सोच रही थी यार यहाँ पर बिरयानी की डिश कहाँ पर रखूँ, सारी जगहें तो फिलअप हो चुकी हैं, सैलेड और रायते का स्पेस भी जो है वो मैंने बना लिया था यहाँ पर, लेकिन चले जी हो गया था। यहाँ पे चिकन थ्रेड भी जो है वो भी रेडी फ्राई करके उसको भी मैंने प्लेट में रख दिया था, खीर भी देखे मैंने सबको सेटल करने रात में ही फ्रिज में रख दी थी और अब सब चीज़ें जो निकाल ली थी अब बस थोड़े ही देर रहता था। ओए होए मसाले वाली बिरयानी, क्या बात है बिरयानी। मैंने यहाँ पे बुफेट पार्टी रखी थी, मतलब बुफेट पार्टी का अरेंजमेंट जो किया था, इसलिए मैंने खाना और इफ्तार जो है उसको बिल्कुल साथ में, डिज़र्ट वगैरह सब कुछ साथ में लगाया था कि जिसका जो दिल चाहे वो खा ले, क्योंकि फिर उसके बाद जो है नमाज़ होती है, तरावी होती है। और इंस्टाग्राम वालों के जब बिरयानी या कुछ भी सर्व होता है तो उनकी हालत ऐसी रहती है और न जाने कितने कैमराज जो है उनके काम कर रहे होते हैं जैसे हमारे यहाँ कर रहे हैं। पंच रोड में बिरयानी का डे खुलता है, यहाँ हमारे और सबिका के दिल डे खुला। बिरयानी वगैरह निकल चुकी थी डिश में और बस फाइनल जो रहता था वो मुझे दही बड़े जो है उसको मैंने लास्ट के लिए रखा था और उसको जो है बस मुझे डन करना था अब, क्योंकि दही जो है ना वो फुलकियाँ जो है बहुत जल्दी दही को जज्ब कर लेती हैं, तो उसको लास्ट में ही करें तो वो बेटर रहता है। तो बस यहाँ पे और ये देख लीजिए मेरे खूबसूरत सा टेबल जो ऑर्गेनाइज हो चुका था और ये मैंने कुछ खजूरें उनको रख दी थी टेबल पर क्योंकि पापा को खजूर बड़ी पसंद आती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे समोसे, स्प्रिंग रोल, चिकन थ्रेड, पकोड़ा, बिरयानी, दही बड़े, दही वो सॉरी खीर, चिकन स्पाइसी फ्राइड चरगा, फ्रूट चाट, सैलेड, रायता, लेकिन हमने सब टेबल वगैरह सेट कर दिया है, खाना और अफ्तार हमने साथ लगाया बुफेट की तरह और हमें तो देखकर ही भूख लग रही है। पता तुम्हारे चेहरे पे साफ रोज़ा आ रहा है, तुम्हारे फेस पे रोजा आ रहा है, सभी का तुम्हारे फेस पर रोजा। कौन सी डिश तुम्हारा दिल चाह रहा है सबसे पहले खाने? हाँ बताओ बताओ जल्दी 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 दही बड़े और चले भी जल्दी जल्दी से। मम्मा का दिल बिरयानी में लगा हुआ, सभी का की देखे आँख ही नहीं हट रही है और इसकी दस्तर कौन से नियती जा रही है। अब नेबर्स में इफ्तारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने, अभी सबसे पहले कहाँ जा रही हो ये इफ्तारी कहाँ लेके जा रही हो? अभी अरीशा, ये अरीशा वालों के जा रही हो अभी? हाँ चलो जाओ, चलो हम आपको गेट तक छोड़ के आएंगे। आयशा घूम जाओ बेटा, तुम्हें पेट दिखाने के कंपटीशन में फर्स्ट आओगी। नाराज हो गई सभी को, सभी का एंग्री वुमेन। चलो जल्दी जल्दी दिखाओ, अभी सभी का ने कहा वो मुझे हंस के दिखाएगी और सीधी दिखाएगी, हंसो और हंसो और हंसो चिंचा जो देखा रहो जल्दी भी हो चो चाहिए हो गया शादी का, नहीं तो उनका नाम दे। चलें जी इफ्तार की जो है वो टेबल वगैरह तैयार हो चुकी है, बस किसी वक्त भी अजान हो जाएगी और यही हमारी फैमिली है और इसके लिए हमने, मामा आपको कैसी लगी अरेंजमेंट? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चले यहाँ पे बहुत जबरदस्त, मेरा तो दिल चाह रहा मैं जल्दी जल्दी बिरयानी खा लूं। देखे जी मम्मा का रिव्यू तो मिल गया और पापा को जो है वो थोड़ा रोजा लगा हुआ है, उनको भी बड़ा पसंद आया, वो जाके देख कर अभी गए लेकिन आ नहीं रहे क्योंकि पता है ना मैं रोजा लग रहा होगा, दिल चाह रहा होगा खा लें खा लें खा लें। तो चले फिर उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है हमारी इफ्तार पड़ी, मैंने कहा था आपसे मेरी फैमिली, तो मेरी फैमिली यही है माशाल्लाह से, हम पाँच माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चले फिर इफ्तार को जो है हम एंजॉय करते हैं, वीडियो पसंद आए तो अब आगे सभी का बोलेगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मसाला किचन मसाला ब्लॉग को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ बने जगह रहें,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम दोनों बहनें जरूर आप लोग को दिखे। और इसी के साथ मेरी इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।